सरस्वती शिशु विद्या मंदिर मदनापुर को मिंडा इंडस्ट्रीज सुमन निर्मल मिंडा चैरिटेबल के द्वारा स्कूल के कार्यकल्प सौंदर्यकरण कमरों का प्लास्टर रंग रोगन टाइल्स शौचालय पंखे मिनरल वाटर बाउंड्री वॉल बैच डेस्क के अलावा विद्यालय का विभिन्न कार्य कराया। इसी संबंध में आज एक विशाल कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे मिंडा ग्रुप के चेयरमैन सुमन निर्मल मिंडा के अलावा उद्धम सिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ टीसी ने संयुक्त रूप से कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि पूरे देश में कई ऐसे लोग हैं जो अच्छे कार्यों में निस्वार्थ सेवा करते हैं। इसी में से मीडिया ग्रुप है जो शिक्षा के अलावा बेरोजगारी दूर करने के लिए युवा एवं महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए परीक्षण एवं रोजगार चिल्ला दिला रहे हैं। इसी दौरान मिंडा ग्रुप के चेयरमैन सुमन निर्मल मिंडा ने कहा है कि बचपन में कई सारी ऐसी चीजें देखी जा चुकी है। बचपन में से मेरे मन में सेवा भाव जागृत हुई। बड़ा होकर जरूरत एवं शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए मैं प्रयास कर रही हूँ। मैं जब बहुत छोटी थी तो मेरी माँ बीमार रहती थी, तो मेरे को कभी भगवान याद नहीं आते थे। मेरा ये भाव होता था कि मैं किसी गरीब के बच्चे को पढ़ा दूं, या हमारे यहाँ जो कर्मचारी होते थे उनको। और उस समय 50 साल पहले पैसा भी बहुत कम होता था, फिर भी जो भी होता था मैं उनसे मदद करती थी। फिर शादी के बाद मेरे फादर इन ला ने 1900 जब CSR आया भी नहीं था, 2020 में बाल आश्रम खोला, एक्चुअली ऑर्फन हाउस, जिसको हम लोग ऑर्फन हाउस न कह के बाल भवन कहते थे, वहाँ से चालू हुआ। फिर उन्होंने उनके नेटिव प्लेस में उन्होंने स्कूल खोला, मंदिर बनाया, स्किल सेंटर खोला, वहाँ से मैं और प्रेरित हुई। फिर मैं 2010 से एकदम डेडिकेटली इसमें काम कर रही हूँ। और मेरे को रियल में जब मैं रात में सोती हूँ तो मैं महसूस करती हूँ कि मैंने आज बहुत अच्छा काम किया। और जब मैं सोचती हूँ और जो नहीं कर पाती हूँ तो मेरे को लगता है कि मेरे मैनेजमेंट में या मेरे काम में कोई कमी रह गई है। और मेरा यही भाव रहता है कि बच्चे पढ़ें, स्वस्थ रहें, मेडिकल भी थोड़ा बहुत करती रहती हूँ, बच्चों को भी पढ़ा रही हूँ, महिलाएँ हैं उनको समर्थ बना रही हूँ। आज मैं 5000 महिलाओं को समर्थ बना चुकी हूँ, जो कुछ ना कुछ, कोई ब्यूटी पार्लर कर रहा है, कोई कटिंग टेलरिंग की दुकान खोल ली, कोई फैक्ट्री से रिलेटेड एप्रन मास्क वगैरह सब बना रहे हैं। आज मेरी फैक्ट्री में जितने भी एप्रन लगते हैं, मास्क लगते हैं, सब मैं अपनी महिलाओं से, सिखाई हुई महिलाओं से बनवाती हूँ। जो वो कोरोना के टाइम पे उसके हस्बैंड घर में बैठ गए थे, तो आज वो 8-10 हज़ार रुपया महीना, 5000, 3-4 हज़ार लेके वो भूखी नहीं रही। मैं यही कहना चाहती, मैं मिंडा ग्रुप को और विशेष तौर पर जो इसकी चेयरपर्सन है हमारी बहन सुमन मिंडा जी, जिन्होंने इस इलाके के लिए CSR फंड के माध्यम से अद्वितीय काम किया है, ऐतिहासिक काम किया है। और हमने जो भी रिकमेंड किया, जो भी हमारी डिमांड थी, जो हमने सूची भेजी, 100% उस सूची को CSR फंड से विद्यालयों का जीर्णोद्धार किया है, चौमुखी विकास किया है। मैं यहाँ का विधायक होने के नाते मैं अपनी तरफ से, अपनी सरकार की तरफ से, मैं मिंडा ग्रुप को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और आगे भी मैं इनको विश्वास दिलाता हूँ कि इनकी संस्था को हमारी सरकार की जहाँ आवश्यकता पड़ेगी हम 24 घंटे इनके साथ खड़े हैं। और जो आगे भी और भी कई विद्यालय हैं जिनका जीर्णोद्धार होना है, तो मैं मिंडा ग्रुप को मैं अपनी तरफ से रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आप CSR फंड का इस्तेमाल आपने सदुपयोग किया है, आगे भी हमारे क्षेत्र, क्योंकि ये पिछड़ा इलाका है, गरीबों का इलाका है, ग्रामीण इलाका है, ऐसे में आपकी बहुत आवश्यकता पड़ेगी। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं, और मैं पुनः क्षेत्र के विधायक होने के नाते मैं मिंडा ग्रुप को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। राहुल विश्वास की रिपोर्ट।